गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। जोर संस्कृत में हम द्वितीय पाठ स्वर्ण काक जो हमारा इनकम्प्लीट था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इतु कत्वा काक कक्षभ्यंतरात् त्रशः मंजूषा निशर्य ताम प्रतिवदत् बालिके यथ्याम ग्रहाण मंजूकाशयकाम लघुताम मंजूषाम प्रग्रह बालिका कथ्यतम इदत अम्मदाये तंदुलानि मूल्यम। ग्रहम गतय तदा मंजूषा समुद्र घटिता तस्या मानी हिरणकानि विलोक्य श प्रहर्षिता तंदुकानि च सजात। अब ऐसा कहकर कौवे ने कमरे से तीन क्या निकाली, संदूकें निकाली। मंजूषा मतलब संदूकें, तो कितनी संदूकें निकाली उसने, तीन संदूकें निकाली। उस बालिका ने कहा, बालिके तुम इच्छा अनुसार इन संदूकों में से कोई सी भी एक संदूक ले लो। अब बालिका ने क्या करा, बालिका ने तीन संदूक में से सबसे छोटी वाली संदूक को क्या करा, ले लिया और ऐसा बोला कि ये बस मेरे चावल का मूल्य इतना ही है। घर आकर उसने जब संदूक खोला तो उसमें बहुत सारे क्या निकले, हीरे को देखकर वो बड़ी क्या हो गई, खुश हो गई और उसी दिन से वो लोग क्या हो गए, अमीर हो गए। तस्मेन ग्रामेण एका अपरा लब्धा वृद्धा अन्वस तस्य अपि एका पुत्री आसीत ईर्ष्याय सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्य ज्ञातवती सूर्यतपे तंडुलानि निक्षिप्य तयापि स्वसुधा रक्षरात् नियुक्ता। अब उसी गांव में एक और स्त्री रहती थी, वो बड़ी क्या थी, लालची थी। उसने भी वैसे ही करा, उसने भी उसकी पुत्री को क्या करा, धूप में चावल सुखाने को बोला। वो धूप में चावल सुखा रही थी, है ना, उसने भी, और उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था, तो उसने भी ऐसे ही करा। क्या करा उसने भी कि जो लालची रहती थी उसने क्या करा कि ईर्ष्या के कारण सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, उसने भी धूप में चावलों को रखा, उसे भी अपनी पुत्री को रखवाली के लिए दे दिया, है ना। तथेव स्वर्ण पक्षी काक तंडुलानी भक्षणान तामा अपि त्रव कार्यत प्रातस्य गत्वा स काक निर्भयस् प्रवचत भो नीच काक अहम मत्ता अहम तंडुलानी प्रयश्य काको बुर्यत अहो त्वं स्वप्नायाम अवतारयम् तकथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा गर्व बालिकाएं प्रकोत्रम स्वर्णमय स्वप्नानेन अहम अच्छामी आगच्छामी परम स्वर्ण काक ताम्रमय स्वप्नाया प्रयाश स्वर्ण काकस भोजनम ताम्र भोजनम एवं अकारयत। अब उसने भी, अब जैसी वो रखवाली कर रही थी तो उसी समय सोने के पंख वाला कौवा चावलों को क्या करने आया, खाने के लिए आया। उसको भी उसने कहाँ पे बुलाया, जहाँ पे वो लड़की को बुलाया था वहीं उस लड़की को भी बुलाया। सुबह हुई, वो लड़की कौवे की निंदा करती हुई बोली, जैसे कौवे की वो बुराई करती हुई बोली और वहाँ पर गई, बोले अरे नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। बालिका ने ऐसा बोला, कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। कौवे ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सीढ़ी लगाता हूँ, बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, चांदी की कि तांबे की, कौन सी उतारो। तो बालिका ने घमंड से क्या बोला कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी, है ना। तो फिर कौवे ने उसके लिए सोने की नहीं, काय की सीढ़ी लगाई, तांबे की सीढ़ी लगाई। फिर कौवे ने जैसा उस लड़की से पूछा था कि तुम खाना कौन सी थाली में खाओगी, सोने की चांदी की कि तांबे की, तो इसी बालिका से भी वही क्वेश्चन किया। तो बालिका ने बड़े गर्व से घमंड से क्या कहा कि अरे मैं तो सोने की थाली में भोजन करूँगी। लेकिन कौवे ने सोने की थाली में भोजन ना देते हुए उसको कौन सी थाली में भोजन दिया, तांबे की थाली में भोजन दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन
कक्षव्रता त्रिसह मंजूषा तत्परुषु भिक्षिता लोभाविष्टा साभ्रहिता मंजूषा ग्रहितवती ग्रहम गत्वा शत्रहर्षिता तावत् मंजु उद्घाटयन्ते तावत् तस्य भीषणं कृष्ण सर्पो विलोकितः लब्धया बालिका लोभस्य फलं प्राप्तां तदंतरं स लोभं परिजयत। अब वापस जाते समय वापस जब वो जाने लगी तो वापस जाते समय कौवे ने उसको भी कमरे के अंदर ले गया और उसको भी तीन बड़ी संदूकें लाकर बताई कि तुम इनमें से एक संदूक लो ले लो। उस लालची लड़की ने क्या करा, सबसे बड़ी संदूक को उठाया। घर जाकर व्याकुल होकर जैसे ही उसने संदूक खोला वैसे ही उसमें क्या निकले, भयंकर काले सांप निकले। लालची लड़की द्वारा लोभ का फल उसको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। उसने क्या, उस लड़की ने क्या किया था, लालच किया था, तो उसकी लालच के कारण उसको लालच का क्या मिल गया, फल मिल गया। इसके बाद उसने लालच करना छोड़ दिया। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको कभी लालच नहीं करना चाहिए। यह आपका लेसन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।